देखिए प्रभास के फैंस के लिए काफी बड़ी अपडेट आ गई है, वो भी उनके सलार के सिकल से रिलेटेड। तो जैसे कि आप जानते हैं प्रशांत नील सलार 1 के बाद NTR के साथ उनके NTR 31 बनाने वाले थे, तो भाई अब ये प्लान कैंसिल हो चुका है। कल खुद हम्बाले कंपनी के मालिक विजय करिगुंदर बोल दिए हैं प्रशांत नील NTR 31 नहीं बल्कि अब सलार 2 बनाने जा रहे हैं। विजय करिगुंदर इसके अलावा भी काफी सारी और बातें बोले हैं सलार 2 सौर्यंगा परमम के बारे में। उनका बोलना है प्रभास भी काफी एक्साइटेड है सलार 2 को स्टार्ट करने के लिए और हम सलार पार्ट 2 का स्टोरी वाला काम कब का कंप्लीट कर लिए हैं, सो इसलिए जल्दी हम सलार 2 का शूटिंग भी चालू कर देंगे प्रभास सर के साथ और तब उसके बाद हमारी सलार 2 फिल्म 2025 के मिड में रिलीज भी हो जाएगा। यानी कि भाई बस एक साल में सलार 2 आपको प्रभास और प्रशांत नील बना के दे देंगे काफी जल्दी। अब हमें 2027 या 28 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा सलार 2 फिल्म के लिए, बस कुछ महीना में सलार 2 से अपडेट आना भी चालू हो जाएगा जो सच में बड़ी कमाल की न्यूज है। और हाँ विजय करिगुंदर ये भी बोल दी हैं सलार 1 तो बस ग्लिम्स है पार्ट 2 का, असली धमाका तो सलार पार्ट 2 सौर्यंगा पर्वम में होने वाला है। सलार 2 आपको एकदम गेम ऑफ थ्रोन के जैसा लगेगा और उस सलार के सौर्यंगा पर्वम में पॉलिटिक्स ड्रामा एक्शन सब एकदम हाई लेवल का होगा। खैर आपका क्या रिएक्शन है इस बड़ी न्यूज के बारे में, क्योंकि अब आपको प्रभास की सलार 2 फिल्म काफी जल्दी मिलने वाली है। या तो दहकती आग से नहीं तो इनके खून से। देखिए साथ में विजय करिगुंदर उस इंटरव्यू में एक और बड़ी बात रिवील किए हैं। उनका बोलना है हमारे सलार 2 के बाद भी और भी सिक्वल आ सकता है, इस खंसार की स्टोरी में काफी सारे सिक्वल का पोटेंशियल है। यानी कि भाई यश भाई की KGF 3 की जैसा प्रभास की सलार 3 भी हो सकता है अगर प्रशांत नील चाहे तो। बाकी देखा जाए सलार 2 का शूटिंग कब चालू होता है। वैसे फिल्म के लिए हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक बड़ा सा शूटिंग सेट बना हुआ है और साथ में स्क्रिप्ट भी रेडी है फिल्म का, बस शूटिंग चालू करना बाकी रह गया है सलार 2 का, सो अब उसी का इंतजार किया जाए। लेकिन उस गद्दी पे बैठने का हक देवा का है। यस भाई के टॉक्सिक फिल्म से काफी दिन बाद कुछ अपडेट आ गई है। एक्चुअली भाई इस टॉक्सिक फिल्म में कम से कम 3 हीरोइन होने वाली हैं, जिसमें से एक को पिछले महीने KVN प्रोडक्शन ने तेलुगु के साई पल्लवी को कास्ट कर ली है टॉक्सिक के लिए और अब हिंदी के करीना कपूर खान भी यश भाई की टॉक्सिक फिल्म की पार्ट हो चुके हैं। वैसे टॉक्सिक फिल्म में यश भाई का कैरेक्टर एक ड्रग माफिया का होगा और इसका टाइमलाइन पुराने जमाने का हो सकता है। बाकी फिल्म का शूटिंग चालू हुआ है या नहीं उससे रिलेटेड अभी तक कोई अपडेट गीतू मोहनदास नहीं दी है, बट ये रॉकी भाई की टॉक्सिक फिल्म अगले साल कन्फर्म रिलीज होगी। देखिए रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स की वेब सीरीज दी इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज होने वाला है और वो ट्रेलर कल 5 जनवरी को ही आ जाएगा। बाकी भाई इस जनवरी के महीना में आपको 4 वेब सीरीज हिंदी सिनेमा की ओर से देखने को मिलेगा। एक सबसे पहले मनोज वाजपेयी जी की द किलर्स ऑफ जो 12 जनवरी को ही नेटफ्लिक्स पर आएगा और इसी दिन द लेजेंड ऑफ हनुमान का सीजन 3 भी डिज्नी पर आ रहा है, इसका ट्रेलर भी आ चुका है। फिर इस रामायण के बाद 19 जनवरी को रोहित शेट्टी वाली इंडियन पुलिस फोर्स आएगा अमेजन प्राइम पर और एक और वेब सीरीज डिज्नी पर आने वाला है जिसका नाम है कर्मा कॉलिन, जो रवीना टंडन की सीरीज है जिसका अभी तक टीजर या ट्रेलर कुछ भी नहीं आया है, बट ये वेब सीरीज 26 जनवरी को रिलीज होगी डिज्नी पर ही। यानी कि भाई जनवरी के महीना में फिल्मों के साथ वेब सीरीज का भी बारात आ चुका है। हर एक वीकेंड में आपको एक से एक वेब सीरीज देखने को मिलेगा, वो भी अलग अलग जॉनर की, जो सच में कमाल का महीना है जनवरी। फिल्मी ऑडियंस के लिए भर पेट आपको कंटेंट देखने को मिलेगा इस महीने में। मैंने जितना सोचा उससे कहीं अधिक कर दिखाया तुमने हनुमान, बाकी मुझ पर छोड़ दो। तो जैसे कि आप जानते हैं वरुण धवन दुल्हनिया का तीसरा पार्ट दुल्हनिया 3 लाने वाले हैं। खैर ये तो भाई फ्रेंचाइज बस नाम की फ्रेंचाइज है, हर एक पार्ट में कुछ अलग ही काम होता है इसमें और अब की वाला दुल्हनिया 3 में सबसे अलग काम होने जा रहा है, क्योंकि भाई अब की वरुण धवन की दुल्हनिया में आलिया भट्ट नहीं होंगी, वो बिजी हैं अपने बाकी प्रोजेक्ट में, तो इसलिए उनके बदले मेकर्स जाह्नवी कपूर को कास्ट कर ली हैं दुल्हनिया 3 में वरुण धवन के अपोजिट में। बाकी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं शशांक खैतान
जो हमदीप शर्मा और बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म बना चुके हैं वरुण धवन के साथ, और अब इस साल से वो दुल्हनिया 3 बनाएंगे इन दोनों स्टार कास्टिंग के साथ। खैर, आपको क्या लगता है, क्या आलिया भट्ट के बदले जाह्नवी कपूर को दुल्हनिया 3 में कास्टिंग करना चाहिए था या नहीं, हमें जरूर बताना कॉमेंट में। अब चलिए बॉक्स ऑफिस पर आ जाते हैं, जहां तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रभास की सलार फिल्म से। देखिए, सलार ने जहां मंगलवार के दिन 6,45,00,000 रुपए कलेक्शन किया था, तो वहीं सलार का बुधवार के दिन 6 करोड़ कलेक्शन हुआ है पूरे इंडिया में, जिसमें से हिंदी में सलार ने 3,25,00,000 रुपए कमाई किया, तो बाकी सब साउथ बेल्ट से हुआ कलेक्शन सलार फिल्म का। वैसे प्रभास की सलार का भारत में टोटल कलेक्शन अब तक 13 दिन में 368 करोड़ हुआ है, और ओवरसीज मिलाकर सलार ने 586 करोड़ कलेक्शन कर लिया है पूरी दुनिया के मार्केट में, और हिंदी में टोटल सलार ने 130 करोड़ 50 लाख रुपए कलेक्शन कर लिया है बॉक्स ऑफिस पर। खैर, देखा जाए कब तक सलार 150 करोड़ तक कलेक्शन हिंदी में कर पाता है। अब चलिए शाहरुख खान की डंकी के बॉक्स ऑफिस पर आ जाते हैं। देखिए, डंकी ने जहां मंगलवार के दिन 3,80,00,000 रुपए कलेक्शन किया था, तो वहीं कल बुधवार के दिन डंकी कलेक्शन 3,20,00,000 रुपए हुआ है पूरे इंडिया में, और इसके साथ डंकी का भारत में टोटल कलेक्शन अब तक 14 दिन में 203,92,00,000 रुपए हो गया है, और ओवरसीज मिलाकर शाहरुख खान की डंकी का 415 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन हो गया है पूरी दुनिया के मार्केट में। खैर, अभी भी 2 दिन और सलार डंकी का बुरा हाल होने वाला है बॉक्स ऑफिस के ऊपर वर्किंग डे कारण। बाकी भाई, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।